नमस्कार, बड़ी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। नमस्कार, मैं कमल कौशिक। हथिनी कुंड बैराज पर अवैध खनन की खबरें कई बार सामने आई, लेकिन इस बार खबरें अभी तक ने अवैध खनन को लेकर रियलिटी चेक किया और पाया कि वाकई नियमों को धत्ता बताकर खनन माफिया अवैध खनन के बेखौफ खेल में जुटे हैं। जी हां, खबरें अभी तक ने विभाग के मंत्री को तस्वीरें तो दिखाई ही, साथ ही जवाब भी मांगा है कि अवैध खनन पर सरकार क्या कर रही है और क्या करने वाली है। आश्वासन तो जरूर मिला है, लेकिन स्थिति डराने वाली है। खबरें अभी तक ने उन आरोपों की तह तक जाने का काम किया है जिनमें कहा गया कि अवैध खनन के कारण हथनी कुंड बैराज को खतरा है। दिन रात अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। नियम के अनुसार बैराज के अप डाउन स्ट्रीट में खनन नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, एनजीटी ने हरियाणा में खनन पर लगी पाबंदी हटाने से पहले कहा कि अगर प्रदेश में अवैध खनन हुआ तो दोबारा से माइनिंग पर रोक लगा दी जाएगी। अधिकारियों की लापरवाही बैराज पर भारी पड़ सकती है। जब खबरें अभी तक ने इसी मामले पर खनन एवं श्रम मंत्री को खुलेआम हो रहे अवैध खनन की तस्वीरें दिखाई तो उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। कुछ इलाकों में माइनिंग माफिया कुछ इस कदर से कहर ढाने में लगा है कि शायद उसको पुलों और ब्रिजों को भी परवाह नहीं है। कुछ ऐसा ही मामला जब प्रकाश में आया तो आज हम पहुंचे हैं खनन मंत्री के पास। उनको प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से वीडियो भी दिखाते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कार्रवाई करेंगे। सर, ये कुछ वीडियोज हैं जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको। ये है हथनी कुंड बैराज का वो क्षेत्र जहां पर बिल्कुल माइनिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग पुलिस की आंख में धोखा दे करके और माइनिंग डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों को धोखा दे करके सारे आम दिन में आप देख सकते हैं किस कदर जो है ये लोग माइनिंग करने में लगे हुए हैं। ऐसे अनेकों वीडियो हैं। जब ये पुलिस की कार्रवाई वहां पड़ने पहुंचती है भाग जाते हैं, लेकिन इन पे आखिर सरकार लगाम लगाएगी तो कैसे लगाएगी? नहीं, इसके अंदर मैंने अभी भी कहा है कि जितनी कार्रवाई हमने जो इलीगल माइनिंग करता है उसके खिलाफ की है। अगर आप वहां जाकर के थाने से भी रिपोर्ट लेना चाहेंगे, एसपी महोदय से रिपोर्ट लेना चाहेंगे कि हमारी सरकार के अंदर जो इस प्रकार से इलीगल अगर किसी ने माइनिंग की है, हमने उनके खिलाफ कितनी FIR दर्ज की है, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, हमने बख्शा नहीं है। अगर हमारे पास कोई किसी ने शिकायत दी है कि यहाँ पर इलीगल कोई माइनिंग हो रही है तो उसके खिलाफ हमारी सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। लेकिन बाढ़ का मौसम आने वाला, बारिशें आती हैं हर बार, हिमाचल और उत्तराखंड से जो बारिश का पानी आता है वो तबाही मचाता है और उसको रोकने के लिए केवल एकमात्र साधन है हथनी कुंड बैराज। लेकिन खनन माफिया जैसे लोग जो है हथनी कुंड बैराज को भी नहीं छोड़ रहे, उसके साइडों में भी खनन करने में लगे हुए, जो वीडियो साफ तौर पर प्रदर्शित कर रहा है, आप क्या आश्वासन देंगे कि क्या कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? नहीं, हमारे पास में ये कहा है कि हम तो बख्श ही नहीं रहे हैं, पहले भी नहीं बख्श रहे हैं किसी को। जो इस प्रकार का हमारे सामने कोई ध्यान में आता है जैसे आपने अभी दिखाया है, हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और जितनी FIR हमने दर्ज की है हम किसी को छोड़ नहीं रही है और उसको अंदर करने का काम हमारी सरकार कर रही है। जो भी इस प्रकार के इलीगल इस मामले के अंदर से लिप्त है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उनको जेल में डालने का काम हमारी सरकार कर रही है और जो आपने ये अभी ध्यान में कराया जरूर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। कहते हैं कि JCB तो भले ले जा सकते हैं, लेकिन यमुना में पोकलियर मशीन ले जाना बिल्कुल बैन है। लेकिन ये लोग दो दो तीन तीन पोकलियर मशीन ले जाकर के रात को भी खनन करते हैं, दिन में भी खनन करते हैं, आपके भी रेवेन्यू का नुकसान कर रहे हैं और लोगों के लिए जीना दूभर कर दिया इन लोगों की। तो क्या कभी आप विजिट करेंगे ऐसे इलाकों में? नहीं, बिल्कुल, मैं तो जाता रहता हूँ, मैं जाता रहता हूँ, मेरा वहाँ पर यमुनानगर कई बार जाना हुआ है और वहाँ पर मैं पूछता भी रहता हूँ। मीडिया के बंधु भी मेरे साथ वहाँ पर आते हैं, मिले हैं और हमने उन कहा भी है और कार्रवाई भी हमने की है। और यहाँ पर भी अगर इस प्रकार की कोई जहाँ पर इलीगल माइनिंग हो रही है, अभी आप लोगों ने देखा है पीछे भी हमने सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ, जो भी इलीगल माइनिंग के अंदर हमें स्लिप्त पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं और अब भी करेंगे। जो आपने दिखाया इसकी पूरी जानकारी लेकर के वहां पर तुरंत कार्रवाई करने का। ओवरलोडिंग को कैसे रोका जाए सर? क्योंकि ओवरलोडिंग से लोगों का सड़क पर चलना दूभर हो गया है, स्कूल बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं और ये लोग इतने ओवरलोडिंग करके ले जाते हैं कि सड़कें भी टूट गई। सरकार सड़कों के लिए पैसा लगा रही है और जितने भी ये ट्रक चल रहे हैं माइनिंग के अंदर ये सारी सड़कें तोड़ने में लगे, आपको तो आर्थिक नुकसान कर रहे हैं ये लोग। नहीं, इसके अंदर जो ओवरलोडिंग है उसके अंदर हमारी सरकार बिल्कुल गंभीरता से इसके ऊपर विचार कर रही है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओवरलोड के खिलाफ जितनी कार्रवाई हमारी सरकार में हो रही है मेरे ख्याल से आज तक किसी सरकार में नहीं हुई है।
हमने इसका एक जो भी ओवरलोड के अंदर कहीं पर भी हमें मिलता है तो उसके खिलाफ तुरंत। क्या लगता है माफिया आपके राज के हैं या पुराने राज वालों के? नहीं, ये पिछली सरकारों के अंदर पनपे हुए लोग हैं। पिछली सरकारों ने इस प्रकार से जो अंधाधुंध, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों को भी मालूम है, हरियाणा प्रदेश की जनता को भी मालूम है कि जिस प्रकार से इन्होंने माइनिंग को बंद करके अपने लोगों की जेबें भरने का काम किया है। और मैंने इसके ऊपर पीछे बोला भी था, क्योंकि तंवर साहब पता नहीं कहाँ से वो नींद से उठ करके आ गए थे, उन्होंने आकर के इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, फिर मैंने उसके ऊपर पूरी डिटेल के अंदर भी बात रखी थी, आप लोगों के सामने ही बात रखी थी कि वो कहीं नींद से उठ करके आए हैं। परंतु हमारी सरकार ने जितनी कार्रवाई जो इलीगल माइनिंग करता है उसके खिलाफ किया है, क्योंकि हमारी सरकार की सोच है कि ट्रांसपेरेंसी तरीके से माइनिंग हो, पैरामीटर के आधार के ऊपर माइनिंग हो, अगर उससे बाहर कोई जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम हमारा विभाग करता है। विपक्ष पहले से ही सरकार पर हमलावर रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर को सरकार पर अवैध खनन को लेकर बड़े आरोप भी लगाते रहे। सरकार के रुख और अवैध खनन पर क्या कहा वो सुनिए। यमुनानगर में चल रही अवैध माइनिंग की खबर इस प्रमुखता से खबरें अभी तक ने दिखाई, इसी पर जानते हैं कि कांग्रेस क्या अभी भी अपने दावे पे कायम है, क्योंकि सत्ता में बैठे मंत्री तो इस दावों से इंकार करते हैं। सर, क्या लगता है कि आज भी अवैध माइनिंग हो रही है वहां पर? जो आज दावों से जो उनको कबूल नहीं कर रहे हैं, जब सरकार जाएगी तब कबूल करना पड़ेगा। जितना जितना माल डकारा है, जितना जितना रेता खा गए, तो वो तो सबके सामने है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि अवैध माइनिंग हरियाणा में जमुना के अंदर जारी है और कोई उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो इसलिए इन लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए, उन तमाम नेताओं के ऊपर, उन तमाम माइनिंग माफिया के ऊपर जिन्होंने पूरी यमुना को खोद दिया है, उसके धारा को बदलने का काम किया है। और जो हमारा राजस्व है जो प्रदेश को मिलना चाहिए, उसके ऊपर डकैती डाली है। 3 लाख करोड़ रुपये का घोटाला, कोई छोटा घोटाला नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आपने भी देखा, हमने भी उसको एक्सपोज किया, और जो लोग जा करके वहाँ पर देखते हैं। और अगर जल्दी सरकार ने इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं करी तो इसको एक जन आंदोलन बनाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। बहरहाल समस्या जितनी गंभीर दिख रही है उससे ज्यादा बड़ी है। गहरी नींद में सोए प्रशासन की नींद जब तक टूटेगी तब तक देर भी हो सकती है। खास बात यह है कि मामले में विपक्ष तो सिस्टम से लेकर सरकार तक के संरक्षण के आरोप लगाता रहा है, लेकिन खबरें अभी तक प्रमुखता से इस मामले को सरकार के संज्ञान में लाने का काम तो किया है। एक्शन क्या और कब लिया जाता है, इंतजार रहेगा। खबरें अभी तक के लिए कुमार रमेश के साथ ज्योति सांगवान की। ये तस्वीरें जो आपने देखी ये कोई पुरानी तस्वीर नहीं है, ये हाल ही की तस्वीर है। खबरें अभी तक के संवाददाता गए थे वहां पर, देखा उन्होंने, अपने कैमरे में कैद किया, और हैरान कर देने वाली अपने आप में तस्वीरें हैं। मंत्री जी ने जरूर आश्वासन दिया है कि मुकदमा दर्ज होगा, जो भी दोषी होगा उनको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन विपक्ष के हाथ भी ये भी मुद्दा लग चुका है। बिल्कुल, विपक्ष के हाथ जाहिर तौर पर मुद्दा लगा है। सरकार का कहना है कि बख्शा किसी को नहीं जाएगा, FIR करवाई जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा, लेकिन इंतजार है एक्शन का और कितना नुकसान आमजन को हो सकता है। NGT के आदेश हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, उसके बाद भी आदेशों को धत्ता बताकर जिस तरह से अवैध खनन किया जा रहा है, मुश्किल बड़ी है। लेकिन मुश्किल का समाधान क्या होगा उसको लेकर एक खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे। कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ नरेश शर्मा जी हैं, पूर्व विधायक आप हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ अनिल आर्य जी हैं, इनेलो से प्रवक्ता प्रवीण अत्री साहब हमारे साथ हैं, साथ ही वरिष्ठ सहयोगी हमारे कुमार रमेश जी भी हमारे साथ इस चर्चा में बने रहेंगे। बहुत स्वागत है सभी का। रमेश जी, आपने रियलिटी चेक किया है, आप जब गए कैमरे के साथ आपने तस्वीरें सामने देखी, क्या कुछ वो पूरा कहीं की एक तस्वीर क्या थी उस वक्त की, किस तरह से अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा था? देखिए, मैं आपको पूर्णतः सत्य बताता हूँ, क्योंकि जो मैंने देखा, रात 9:30 बजे के लगभग हम सड़क पर थे, नेशनल हाईवे नंबर 73 यमुनानगर का जो कमानी चौक है, वहाँ से ढेर सारी गाड़ियाँ जा रही थी, और गाड़ियाँ कोई आज नहीं चल रही, गाड़ियाँ हमेशा से चलती आ रही है, और उसमें टोटल ओवरलोडिंग था। एक कर्मचारी वहाँ पर गाड़ियों को सिस्टमेटिक से चलाने में लगा हुआ है। आज भी अगर प्रशासन के आला अधिकारी वहाँ पर जाकर के देखें, मंत्री जाकर के देखें, तो रात को 9 बजे के बाद आप शहर से नहीं निकल सकते। हाँ, इस बारे में जब हमने ADC से बात करी, ADC के पास RTA का चार्ज है, तो उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि बहुत से लोग जो है ओवरलोडिंग ले जाते हैं, लेकिन सरकार के राजस्व में मैंने इजाफा करवाया, मैं हमेशा उनके ओवरलोडिंग का चालान काटता हूं, लेकिन फिर भी शायद ओवरलोडिंग ले जाने वाले ये माफिया, इनको नहीं परवाह है कि सरकार की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है, ये सोचते केवल मजाक हो रहा है, और आज भी बदस्तूर जारी है। अगर मैं खनन के ऊपर आ जाऊँ, तो जो अभी मैंने दृश्य आपको दिखाई है, मैंने
खुद अपने कैमरे से शूट किया और बाकायदा मैंने इसको मंत्री को भी दिखाया। वहां पर आपने दृश्यों में देखा कि किस कदर हथनी कुंड बैराज के अंदर ही लोग माइनिंग करने में लगे हुए हैं, जबकि जो पोकलैंड मशीन है वो पूरी तरीके से बैन है कि आप उसको यमुना में ले ही नहीं जा सकते। स्थिति यह है कि जो हथनी कुंड बैराज है उससे पानी डाइवर्ट होता है, ये पानी उत्तर प्रदेश को जाता है, ये पानी हरियाणा को जाता है, ये पानी दिल्ली को जाता है। अगर हम वहां पर इस प्रकार की तस्वीरें देखते हैं तो आप समझिए कि आने वाला समय जो बारिशों का है, जो बाढ़ का है, वो कितना बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकता है। सोनीपत, पानीपत, करनाल, यमुनानगर, ये ऐसे जिले हैं, अगर इन तरीके से माइनिंग, अवैध माइनिंग को नहीं रोका गया तो इन शहरों के लिए खतरा। सवाल ये है कि आप वहां पर पहुंचे, दिन दहाड़े ऐसा काम किया जा रहा था, अवैध खनन यहां पर किया जा रहा है, प्रशासन को कोई खबर नहीं है इसके बारे में? देखिए, प्रशासन को खबर होती है, जब तक प्रशासन वहां पहुंचता तब तक वो भाग जाते हैं, क्योंकि इलाका ऐसा है कि 10 कदम पर जो है यूपी शुरू हो जाता है और इधर जो है हरियाणा है। जब हरियाणा पुलिस वहां पहुंचती तो यूपी के पाले में चले जाते हैं, और जब यूपी की पुलिस वहां पे क्योंकि आ नहीं सकती, क्योंकि उनकी जो दूरी है थाने की, मिर्जापुर थाना लगता है, वो दूर लगता है। शासन तो पहले से ही जानकारियां पूरी है, मॉनिटरिंग कितनी की जा रही है, ये सवाल है कि जानकारी तुरंत मिली उसके बाद पहुंचे वो एक अलग पहलू हो सकता है, लेकिन क्या मॉनिटरिंग की जा रही है? रमेश जी, देखिए, मॉनिटरिंग की भी तस्वीर मैं आपको बताऊं कि जो कई चौराहों पे जो सीसीटीवी कैमरा लगे हैं वहां पर कैमरा काम करते हैं, लेकिन उस कैमरे के लिए, लो लाइट कैमरे के लिए भी कम से कम आपको लो लाइट प्रोवाइड करानी पड़ेगी। लेकिन अधिकतर जगह चौकों पर जो लाइट, फ्लड लाइट लगाई जाती है कि ताकि रोशनी रहे, वो ये माफिया क्या करते हैं, वो लाइटों को बंद करा देते हैं ताकि उन कैमरे में कोई शूट ही ना हो। ऐसी बात नहीं है कि प्रशासन के अधिकारियों को नहीं पता, लेकिन शायद मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं दबाव में होंगे। और मंत्री कह रहे हैं, आरोप लगते हैं कुमार रमेश, कि क्या वहां पर सच्चाई कुछ ना कुछ निकल कर सामने आ सकती है, क्योंकि आरोप लगते रहे हैं। देखिए, खनन का काम कोई आज का नहीं है, कोई बीजेपी के राज का नहीं है, कोई कांग्रेस के राज का नहीं है, कोई इनेलो के राज का नहीं है। ये लोग इतने शातिर लोग हैं कि जब भी जहां मौका लगता है वहां से माइनिंग करना शुरू करते हैं। पीछे जब सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया, सुप्रीम कोर्ट के बैन के बावजूद, एनजीटी के बैन के बावजूद भी खनन माफिया इतना सक्रिय था कि वो सरकारों की आंखों में धूल झोंक करके अपना सामान निकालता और पुलिस के साथ थोड़ी बहुत सेटिंग करके वो लेकर चला जाता था। नरेश शर्मा जी, पिछली सरकारों में पले हुए माफिया है, मंत्री जी को लगता क्या? देखिए, पत्रकार महोदय ने जो ऑपरेशन किया है सीटिंग, उसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा इनको, लेकिन इनकी सारी बातों से मैं संतुष्ट बिल्कुल नहीं हूं। ये जो माफिया है, ये सरकार का संरक्षण प्राप्त और सरकार के ही आदमी है, और पत्रकार साथी भी ये स्वीकार कर चुके हैं कि इस प्रशासन पर जरूर कोई ना कोई दबाव होगा या मिली भगत होगी। मिली भगत जब होती है, जब कोई अननोन आदमी माफिया करे या सेंध लगा के काम करके फरार हो जाए पुलिस से सेटिंग करके, ये तो कंटिन्यू चल रहा है और सरकार कार्रवाई करने का आश्वासन दे रही है। मंत्री जी तो कहते हैं कि जो कार्रवाई सरकार में आपके चहेतों की जेब भरने का आपने काम किया, ये जितनी भी इस दुनिया में सरकारें बनी है वो अपनी जिम्मेवारी से मुकर के पहले की समय में अवैध खनन नहीं होता था, होता था या नहीं होता था, नकारेंगे आप इसको? बात तो आज की है ना भाई साहब, लेकिन नकारेंगे आप? ये दिखाई दे रहे हैं आप, सीधे आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, मैं क्यों नहीं नकारूंगा, इस तरह की तस्वीरें कभी पेश की हो तो बताओ। और जो भी सरकार है, मौजूदा जो सरकार है, वो अपने से पहले की सरकारों को कोसने लग जाती है और वो ये कभी नहीं कहते कि हमारा दायित्व है, आज हम सत्ता में है और कानून व्यवस्था प्रदेश के अंदर लोगों को समुचित कानून व्यवस्था प्रदान करना हमारा फर्ज है, हमारा दायित्व है। और मेरी बात पूरी जी करिए, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह मंत्री जी, मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम कार्रवाई करेंगे, हम कार्रवाई कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कार्रवाई कर, ये भी कहा कि मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। संवाददाता हमारे गए थे, उनसे बात की कि आप थाने में जाकर देखिए, मुकदमे दर्ज हो चुके हैं पहले से। देखिए देखिए, मैंने स्टोरी कवर की, मैं आपको बताऊं, जब मेरी वहां के एडीसी से मुलाकात हुई, क्योंकि एडीसी के पास आरटीए डिपार्टमेंट का चार्ज है, ओवरलोडिंग को रोकने का काम उनके पास है, उन्होंने कहा कि जो पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है चालानों की संख्या हमने बढ़ाई है, बहुत से चालान कटे, ऑनलाइन सिस्टम है, सरकार को रेवेन्यू आ रहा है। लेकिन बात समझने की है कि प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है उसके बाद ये माफिया क्यों नहीं रुक रहे, क्यों नहीं सड़कों पर ओवरलोडिंग बंद करवा पा रही पुलिस? और सबसे बड़ी बात है, आखिर ये काम शासन और प्रशासन दोनों का है, शासन का चुनने का काम हमारा है, हमने शासन चुना और शासन को 19 फरवरी 2018 का मामला है, नूह में खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद थे कि जो खाकी है उस पर हमला किया गया, ट्रैक्टर जो है जिप्सी पर चढ़ाने की कोशिश की गई और पथराव तक किया गया। देखिए कमल, अभी रमेश जी ने एक बात बोली कि अगर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है तो क्यों नहीं रुक रहा, तो सब कुछ इसी में छिपा हुआ है। इसलिए नहीं रुक रहा क्योंकि ये सारी अवैध खनन जो है सरकार के संरक्षण में हो रहा है,
और इससे कोई नकार नहीं सकता। इसके दो एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। और सरकार के संरक्षण में किस तरह से, सरकार में जो मंत्री हैं उनका संरक्षण प्राप्त है, और कुछ मामलों में सीधे मुख्यमंत्री जी की इन्वॉल्वमेंट है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं, भिवानी जिले में डाडम की जो खान है, वहां पे दो कंपनीज, एक कंपनी सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट और दूसरी कंपनी करणजीत एंड सन्स के नाम से। करणजीत एंड सन्स जो है वो एलिजिबल थी डिपार्टमेंट के नियमों के हिसाब से टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन सुंदर एसोसिएट एलिजिबल नहीं थी। अब करणजीत एंड सन्स जो है वो टेंडर लेती है खनन का, और होता क्या है 51% के अंदर वो रहते हैं, 49 में सुंदर एसोसिएट उसके साथ इन्वॉल्व हो जाती है। और ये बात है 14 मई 2015 की, 14 मई 2015 को अचानक जो सुंदर एसोसिएट्स है वो एक एप्लीकेशन देते हैं किसको, मुख्यमंत्री जी को। और एप्लीकेशन में क्या कहते हैं कि जो करणजीत एंड सन्स है जो एलिजिबल थी जिसको टेंडर अलॉट हुआ था, वो किसी कारणवश अपनी 50% शेयर छोड़ रहे हैं, वो शेयर जो है वो अलॉट कर दिया जाए सुंदर एंड एसोसिएट्स को जो एलिजिबल ही नहीं थी, और मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट इसको ट्रांसफर कर देते हैं जो के नियमों की सीधी सीधी अवेलना थी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है और स्पेशल लीव टू अपील जो है उसमें, और अपील का नंबर भी मैं आपको बता देता हूं 19166, सुप्रीम कोर्ट ये बात कहती है कि मुख्यमंत्री जी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, नियमों के हिसाब से वो ऐसा नहीं कर सकते, और अगर एप्लीकेशन दी जानी थी तो वो विभाग को दी जानी थी, सीधा सीएम ऑफिस में नहीं जानी थी। तो इससे क्या साबित हुआ कि खुद मुख्यमंत्री ऑफिस इस मामले में इन्वॉल्व है, उनके संरक्षण में अवैध माइनिंग हो रही है। दूसरी बात, एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, उस दिन पहले घरोंडा के अंदर पुलिस ने कार्रवाई करके अवैध माइनिंग के लोगों को कुछ को पकड़ा, उनके जो इक्विपमेंट्स है वो पकड़े। आपको जानकर हैरानी होगी, उसको छुड़वाने के लिए कौन गया, प्रदेश के मंत्री करणदेव कंबोज, उन्होंने उनको वहां से छुड़वाया। इससे क्या साबित हुआ, मंत्री जी भी इसमें इन्वॉल्व है, जो ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं जिसकी वजह से इल्लीगल माइनिंग प्रदेश में धरने से जारी है। जुड़ने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता हालांकि स्टूडियो में नहीं आए, शायद फोन लाइन पर वो हमें मिल पाए। अनिल आर्य जी, क्या अवैध खनन को रोकना बहुत मुश्किल होता है सरकारों के लिए, सिस्टम के लिए? ज्योति जी देखिए, सोए हुए को तो आप जगा सकते हो, लेकिन जगह जो जाग रहे हैं उनको कैसे जगाओगे आप लोग? और जो ये मुकदमे हैं ये तो लिपापोती होती है, 5-4 ट्रैक्टर बंद कर देते हैं, एक आध आदमी को कह देते हैं, अंदर कर देते हैं कि हमें माइनिंग कर रहा था, वो एक्सेप्ट भी कर लेता है। ये हजारों जो ट्रक जो दिन में यमुना की तरफ जाते हैं, रात को ये यमुना से इधर आते हैं, वो बिना सरकारी संरक्षण के नहीं खोद सकते यमुना को। पूरी मशीनरी है हमारे पास, पुलिस है, फोर्स है, हमारे खान डिपार्टमेंट है। और रही बात जैसे एक डालम वाला कि अत्रे साहब ने कहा है, वहाँ पर एक अच्छा खासा पहाड़ था जो आज वहाँ पर पाताल बना दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बावजूद। ये सब बिना सरकार की सहमति के या उनकी मुख उनको सहमति लगा लो कि उधर आंख भी बंद कर ली है मुख्यमंत्री जी ने, कोई भी ऐसी टीम एक मिनट में पता कर सकती है, सारी मशीनरी मौजूद है। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि सरकार की बिना जानकारी के ये इतना बड़ा काम हो रहा है। और ये ऐसा भी नहीं कि इसी सरकार में हो रहा है, पिछली सरकारों में भी कंटिन्यू चलता रहता था। और जितना ये माइनिंग है ये हथनीकुंड बैराज से लेके यमुना में होता है फरीदाबाद तक, हथनीकुंड बैराज जो आप कंपैरिजन करें पहले से बड़ा है अवैध खनन पिछले सरकारों से, कंस्ट्रक्शन बढ़ी है तो नेचुरल रूप से रिक्वायरमेंट बढ़ी है, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये भी बड़ा है इनका। और सबसे ज्यादा हथनीकुंड बैराज को क्यों टारगेट किया जाता है, हथनीकुंड बैराज पे सबसे अच्छी किस्म की रेत मिलती है जिसकी डिमांड जो है पूरे प्रदेश में है, गुड़गांव तक में यहाँ की रेत की डिमांड है। इसीलिए इन्होंने आज जैसे फोकलैंड इन्होंने जैसी भी वहां घुसा रखी थी ट्रक, बिल्कुल डैम के अंदर घुसा रखे हैं इन्होंने, जहां पर इनकी नींव है और उससे ठीक इससे अगली साइड से उसकी दिशा तय होती है। आने के हुकुम सिंह भाटी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता, आपसे सवाल भी करेंगे, पहले शिकायत सुनिए कि इतने गंभीर विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, रियलिटी चेक किया के खबरें अभी तक ने, हथनीकुंड पर जो जिस तरह से अवैध खनन किया जा रहा है उसके आरोप थे, लेकिन आपके प्रवक्ता स्टूडियो में नहीं आते। अब सवाल आप ये सुनिए कि आपकी ओर से लगातार कहा जा रहा है कि एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन खबरें अभी तक के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई उसमें साफ देखा जा सकता है खुलेआम अवैध खनन दिन में? देखिए ऐसा है कि सरकार ने पूरी तरह से इसको जो है पाबंदी की हुई है, और कहीं अगर कोई इस तरह का खनन करता है तो अभी हमारे संज्ञान में ऐसा है नहीं, और मंत्री जी ने भी ऐसा ही बयान दिया है, लेकिन अगर कोई भी इस तरह का वो करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और समय समय पर अभी भी जो बोल रहे थे वो खुद भी कह रहे हैं कि भाई गिरफ्तारी होती है,
बिल्कुल, अगर कोई आदमी इलीगल वर्क करेगा तो गिरफ्तारी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए गिरफ्तारियां की जाना वो बाद का एक्शन है आप लोगों की ओर से, लेकिन खनन को रोक ना पाना आप लोगों की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को कब मानेंगे और कब निभा पाएंगे? नहीं देखिए, हमारा जो माइनिंग डिपार्टमेंट है वो उसके ऊपर पूरी तरह से मुस्तैद रहता है कि कहीं भी जो है ना अवैध खनन ना हो, और ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है खनन नहीं हो रहा, लेकिन अगर कोई आदमी इस तरह की उसमें सवाल करना चाहते हैं कार्रवाई करता है नरेश जी, कीजिए सवाल, बाकी जी के लिए तैयार रहते हैं और कार्रवाई कराएंगे आगे भी नरेश शर्मा जी। ध्यान से सुनो, आपको सुनाई भी नहीं दे रहा, दिखाई भी नहीं दे रहा भाटी जी, ये जो टीवी के माध्यम से आपको दिखाई दे रही है वो छोटी मोटी मशीन नहीं है, ऊंट की चोरी कोडे कोडे नहीं होती, पॉकलैंड मशीन है, पॉकलैंड जो कई करोड़ रुपए की मशीन आती है। और आपके मंत्री का जवाब था कि हम चालान काट रहे हैं, किसी गाड़ी का 1,000, 2,000, 5,000 रुपए का चालान काट दिया, और पहले हजारों करोड़ में घोटाला था और वो कई 3,00,000 करोड़ पर जाकर रुके नहीं है और स्पीड से चल रहा है। और आप कह रहे हैं माइनिंग विभाग, माइनिंग विभाग भी सरकार के ही तहत आता है, सरकार आपको जैसे दिखाई नहीं देता ऐसे ही आपकी सरकार गूंगी और बहरी और अंधे की कर रही है और पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त आपकी सरकार के मंत्री एमएलए और कार्यकर्ता नेता है जी। जवाब दीजिए भाटी जी, खनन विभाग में लिप्त आपकी सरकार, ये जो गूंगापन और बहरापन ये कांग्रेस के समय होता था, ये आईएमएलडी के समय होता था, क्योंकि आप लोगों का एक जो है ना एक संगठित साम्राज्य जो है वो काम करता था। देखिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एक बात तो बार बार जैसे विपक्षी मित्र ये कह रहे थे, जैसे भी भाटी जी ने क्या किया पिछली सरकार का नाम ले दिया, मैं इस बात से हैरान हूँ। भाटी जी आप सुन लीजिए, भाटी जी भाटी जी भाटी जी ब्रेक लगाए भाटी जी ब्रेक लगाए। अभी आपने एक बात कही कि हमारे संज्ञान में नहीं है, संज्ञान में होगा तो कार्रवाई करेंगे। पहली चीज तो ये है कि कुमार रमेश इतनी बड़ी रिपोर्ट करके ले आए, चैनल पे चला दी, फिर भी आपके संज्ञान में नहीं है तो ये आपकी आंखें बंद है। दूसरी बात, क्या यमुनानगर में अवैध माइनिंग माफिया ने एक व्यक्ति की जान नहीं ली? अगर नहीं ली तो तब भी आपके संज्ञान में नहीं है। क्या करनाल के अंदर अवैध माफिया ने एक व्यक्ति को नहीं मारा तो आपके तब भी संज्ञान में नहीं है? अरे साहब, अवैध माफिया लूट कर रहा है, आप लोगों के संरक्षण में कर रहा है, प्रदेश के लोगों की हत्या हो रही है, उसके बावजूद भी अगर आपके संज्ञान में नहीं है तो आपको सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपने नाम लिया आईएनएलडी का, भाटी जी रिकॉर्ड चेक करके देख लीजिए, माइनिंग के मामले के अंदर बाकायदा बोली करवा के प्रदेश के रेवेन्यू के अंदर 400 करोड़ रुपए सालाना आईएनएलडी की सरकार के दौरान ऐसा हुआ था, और अगर आज से 16 साल पहले वो 400 करोड़ था तो मान के चलिए जिस तरह से दाल की कीमत 12 गुना हो चुकी है तो कितने करोड़ होना चाहिए। आप बार बार जो बजट की बात करते हैं तो इसका मतलब आज सरकार के पास सालाना 20,000 करोड़ रुपया आना चाहिए था, कहां है वो 20,000 करोड़ रुपया? इस बात को मानिए, आपके मंत्री इसमें इन्वॉल्व है, मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में हो रहा है, और ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, आप लगातार सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रही हैं, ऑडियोस आ रही हैं, और जो ऑडियो की बात है एक ऑडियो पहले आ चुकी है जिसमें बाकायदा मुख्यमंत्री के ऑफिस के साथ सेटिंग की बात की गई है कि ओवरलोड अलाउ हो गया। अवैध खनन की तो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भाटी साहब, लेकिन विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि सरकार के मंत्री और खुद मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, उनका संरक्षण है, ये मामला बहुत गंभीर हो जाता है जब सरकार पर सवाल उठते हैं विपक्ष। देखिए देखिए, ये आरोप इन आरोपों में कहीं कोई दम नहीं है, क्योंकि अत्रे साहब ये भूल गए हैं कि माइनिंग के ऊपर जो यमुना नदी है उसके ऊपर माइनिंग के ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री की टिप्पणी नहीं की 2017 में अवैध माइनिंग के मामले में, फिर कहते हो और सही नहीं है यार? अगर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है उसको आप मानने को तैयार नहीं है? उसका जो विधिवत रूप से ठेके नहीं छोड़े जा सकते, आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए। अरे थोड़ी, अरे रुकिए, हमें ज्ञान है, हम ये पूछना चाहते हैं कि जो खनन माफिया बेलगाम घोड़ों की तरह आपके समय में ये बेलगाम घोड़ों की तरह भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, क्या सरकार का दायित्व है नहीं उनको रोकने का? आप तो कविता सुना रहे हैं, जुमलों की सरकार है भ्रष्टाचार में लेके। भाटी साहब विपक्ष को छोड़ दीजिए, विपक्ष क्या कह रहा है, आपके ही सांसद है धर्मवीर जी भिवानी से, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है और उसमें बाई नेम आपके हरियाणा के मंत्रियों के नाम लिखे हैं,
कि ये लोग खनन करा रहे हैं। सुनिए जरा, अगर चिट्ठी उन्होंने लिखी है तो उस चिट्ठी के ऊपर संज्ञान लिया जाएगा। अगर उन्होंने कोई क्या वो द्रविड़ जी आपकी पार्टी के है या नहीं है, आप तो मना कर सकते हो, ऐसा लग रहा है। अच्छा भाटी जी, आपको क्या लगता है कि जो खनन माफिया है वो हावी नहीं है कहीं ना कहीं, आपको लगता है नहीं लगता है? क्योंकि जनवरी 17 2018 का मामला है साहब, आपको खुद मालूम हो गए, हरियाणा विधानसभा की डिप्टी स्पीकर संतोष यादव के देवर, उनकी मौत हो चुकी थी क्योंकि जेई थे उस समय, और वो जो वाहन चेकिंग टीम में थे वो शामिल थे उस दौरान। जी हाँ, खनन का बेखौफ खेल खेला जा रहा है। कुछ तस्वीरें हमारे सामने आई जो आपको दिखा भी रहे हैं लगातार, और इसी पर हम चर्चा करें। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता फोनलाइन पर मौजूद हैं। भाटी साहब, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, आपसे सवाल जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने किया, जनवरी 17 2018 की घटना है, मेरा सवाल आपसे यही है कि आपको नहीं लगता है कि जो खनन माफिया है वो बेखौफ है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो पंचायती राज विभाग के जो संपर्क टूटा है बीजेपी के प्रवक्ता से, एक बार फिर से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। अत्रे साहब, आपसे ये सवाल है, जिस तरह से क्लीन चिट देते नजर आए भाटी साहब की, कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री या राजनीतिक जो भी बीजेपी से जुड़े लोग हैं वो शामिल ही नहीं है बिना। लेकिन अत्रे साहब, एक सवाल मेरा भी है, ये जो मैं जिक्र कर रहा हूँ इस घटना का, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं हावी है वाकई में? देखिए, हौसले बुलंद है माफियाओं के, ये तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। और रही बात क्लीन चिट देने की, भारतीय जनता पार्टी की तो रिवायत है, ये बिना किसी जांच के क्लीन चिट इमीडिएट देते हैं। आपको याद होगा जिस वक्त स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन पे आरोप लगे तो सुभाष बराला जी ने एक दिन पहले क्लीन चिट दे दी थी, सीएम साहब ने विधानसभा में खड़े होकर क्लीन चिट दे दी थी, जबकि घोटाला इतना बड़ा हुआ, प्रदेश की जनता भी देख रही है। और इस तरह की क्लीन चिट देना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कारण ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस अवैध माइनिंग में संलिप्त हैं, ज्योति मैं दावे से कहता हूं कि अगर आप किताब लिखने लगोगे तो एक पूरी किताब लिखी जाएगी, अवैध माइनिंग में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इन्वॉल्वमेंट, तो टाइटल ये रहेगा। बहुत बड़े आपको रोक रहा हूँ भाटी साहब, एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। भाटी साहब, बार बार दोहरा रहा हूं मैं सवाल, शायद आपने सुन भी लिया हो, सवाल वही है कि सर तस्वीरें हमारे सामने हैं, सब कुछ सामने है, आपकी सरकार प्रयास जरूर कर रही होगी, लेकिन फिर भी वो प्रयास सफल क्यों नहीं हो पा रहे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि क्लीन चिट दे देते हैं, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि करण दलाल कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने एक बार एलिगेशन लगाया था कि अवैध माइनिंग हो रही है, बड़ी कहानियां उन्होंने जो है वो जो है पत्रकार वार्ता में भी सुनाई पड़ी, और उनसे कहा कि आप जरा इसके साक्ष्य तो दो, इसके प्रूफ दो, आप वो आज तक नहीं दे पाए। लेकिन हम दे रहे हैं साहब, हम तो दे रहे हैं सर, आरोप करना, सर तो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये लोग तस्वीरें दिखा रहे हैं बार बार, तो तेज है, लेकिन कभी भी ये प्रूफ, भाटी साहब तो ऐसी बात कर रहे हैं कि मर्डर करने वाले को जो है ना, जिसका मर्डर हुआ उसको सबूत देने पड़ेंगे कि मेरा मर्डर हुआ है, तो मरने के बाद मंत्री जी ने मान लिया, सरकार का काम है कि उन्होंने आरोप लगाया, हम जांच करवाना, हम एक्शन लेंगे, हम जांच करवाएंगे, आपको ये सबूत नहीं लगते? क्या आपको ये सबूत नहीं लगते जो खबरें अभी तक की स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं? भाटी साहब, हमारे संवाददाता कुमार रमेश ने मंत्री जी के साथ जब बातचीत की है मोबाइल में, उनको ये वीडियो दिखाया है जो बार बार दर्शकों को हम दिखा भी रहे हैं, आपने वीडियो देखा या नहीं देखा ये बताइए। कब तक विपक्ष और मीडिया ही आपको तस्वीरें दिखाता रहे, सरकार की जिम्मेदारी क्या है सर? देखिए, वीडियो तो मैं नहीं देख पा रहा क्योंकि मैं तो टेलीफोनिक जुड़ा हुआ हूँ, तो वीडियो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन हम तो एक बड़ा एक बहुत ही एक सीधी और सिंपल सी बात है, जब भी लोग कोई अवैध माइनिंग में अवैध जो है वो काम करता हुआ किसी तरह पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई बड़ी सख्ती से होती है, और हमेशा सरकार इसके लिए दृढ़ संकल्प रही है। तीन साल से सुन रहे हैं बात, एक भी नेता का किसी मंत्री का कहीं किसी के साथ बड़ी हैरानी इस बात की होती है कि जब भी विपक्ष आरोप लगाता है भारतीय जनता पार्टी के नेता एक बात कहते हैं कि जी सबूत लेके आइए। आपने एग्जांपल देखा होगा जिस वक्त स्वास्थ्य विभाग में दवाई खरीद घोटाले की बात की थी, उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री कहते थे कि जी आप सबूत लेके आइए, जबकि सबूत डॉक्यूमेंट उनके सामने रख दिए। आप अब यहाँ पे भी देख रहे हैं, बाकायदा आप वीडियो चला रहे हैं, बाकायदा हत्याएं हो चुकी हैं, मैंने जिसका जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट बाकायदा मुख्यमंत्री जी के ऑफिस पे टिप्पणी कर चुका है, उसके बावजूद कहते हैं सबूत लेके आइए। अरे साहब, इससे बड़े सबूत और क्या चाहिए आपको? सबूत आपके सामने है, माननीय सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर चुका है, सीएम ऑफिस की इन्वॉल्वमेंट बता चुका है, मंत्री जी के दफ्तर के बाहर उन्हीं के हलके के लोग जाके नारेबाजी कर चुके हैं, इससे ज्यादा सबूतों की क्या जरूरत है? आपका फर्ज बनता है आप इस
अवैध माइनिंग की जांच करवाएं और जो भी दोषी व्यक्ति हैं उन पे कार्रवाई करें। लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि आपके खुद के मंत्रियों के संरक्षण में काम हो रहा है। नरेश शर्मा जी देखिए, हर चैनल पर सुनिए सर, सुनिए, अशोक तंवर की ओर से आरोप लगाए गए कि 3 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है, उस पर मंत्री जी ये कहते हैं कि 300 करोड़ का तो पूरा ही काम है, इतना बड़ा आंकड़ा कैसे? जी नरेश जी, जी धन्यवाद, आपसे सवाल। ठीक है, मैं ये कहना चाहता था कि जो भी वाली बात पर पहले बताइए, 3 लाख करोड़ का जो आंकड़ा पेश किया गया है उसको मंत्री जी ने गलत ठहराया? नहीं, मंत्री जी तो पूरे खनन विभाग में जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसको भी गलत ठहरा रहे हैं। मंत्री जी का क्या है? मंत्री जी तो पानी पी पी कर सफाई दे रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं। ये जुमलों की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारियों से मुकरती है, जवाबदेही इनके पास होती ही नहीं, इनकी कोई औकात ही नहीं रही। इनको हर प्रदेश की हर वर्ग की जनता समझ चुकी है, और हम पहले ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की अनुभवहीन सरकार है, पर इसने कम से कम ये तो सिद्ध कर दिया है कि भ्रष्टाचार में तो एक नंबर पर है बीजेपी की सरकार, और बड़ी चतुराई के साथ मुकरना भी जानती है और जवाबदेही से हर बार मुकर जाती है। पहले की जवाब जवाब तो लेंगे भाटी साहब, आप क्या आश्वासन देते हैं? मंत्री जी तो कह चुके हैं कि मुकदमे बहुत दर्ज किए जा चुके हैं, थाने में जाकर आप देखिए, आपकी सरकार आगे आने वाले समय में क्या करने वाली है? क्योंकि तस्वीरें बार बार हम इसलिए दिखा रहे हैं, जिक्र भी कर रहे हैं, क्योंकि ये वाकई में हैरान कर देने वाली और डरावनी तस्वीरें हैं सर। क्योंकि बाढ़ आती है तो जो गांव है आसपास के उनको नुकसान होता है हर बार, इस बार भी हो सकता है जब बारिश होगी, तो उनका क्या जो वहां पर गाँव में लोग रहते हैं उनकी तरफ तो देखिए सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने साथी नरेश जी हैं, इनको मैं बताना चाहता हूँ कि आज तक कोई भी एक आरोप यूं खाली मुंह से कह देने से वोकल जो है ना, कोई जो है आरोप, वो नहीं है, मर्जी किसी पर बोल दो, कांग्रेस के लोग अब जेल की हवा खा चुके हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जो घोटालों में जो इन्वॉल्व रहे, कहीं ना कहीं उनकी साठगांठ रही। आज तक हरियाणा प्रदेश, और मैं तो देश की मेरी बात का आपने जवाब नहीं दिया सर, ये कोई जवाब है क्या? 4 साल से सुन रहे हैं आपके जुमले, 4 साल से सुन रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, इसको आप छोटे मोटे चलान करते हो। नरेश जी, नरेश जी, मैंने सर आपसे सवाल किया है, भाटी जी मेरे सवाल का जवाब आप देंगे कि नहीं देंगे? नहीं नहीं, मैं दूसरी, अभी जो आपने सवाल किया कि आप क्या करेंगे, देखिए कोई भी अगर अवैध माइनिंग होती है, कहीं भी कोई संज्ञान में आता है, हम तुरंत कार्रवाई करते हैं और करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक तो नोटिस दे चुके हैं इनको। सुनिए सर, बिना राजनीतिक संरक्षण के इस तरह से क्या लगता है आपको अवैध खनन हो जाएगा, बताइए? नहीं देखिए, बिना राजनीतिक, आप देखिए खाली यूं कह देने से कि राजनीतिक लोगों का इन्वॉल्व है, आज तक भी एक या फिर ये मानिए कि आपकी जांच एजेंसी सरकार के पास है, आम आदमी कहां से सुनेगा? या फिर ये मान लीजिए आपका जो प्रशासन वहां पर मौजूद है वो ढीला है, या मान लीजिए? भाटी साहब जवाब दोहराएंगे सर, बिना राजनीतिक संरक्षण के हो सकता है क्या अवैध खनन? जल्दी बताइए। नहीं देखिए, राजनीतिक बिल्कुल कोई समर्थन नहीं है, और मैं समझता हूँ अगर कोई गहराई से विपक्ष कहता है, देखिए एक बात तो आपको माननी ही होगी, क्योंकि दो ही सूरत हो सकती है, दो ही स्थिति हो सकती है, या तो सरकार की मंशा नहीं अवैध खनन रोकने की, सुनिए सर सुनिए, या तो सरकार की मंशा नहीं अवैध खनन को रोकने की, या फिर सरकार रोक नहीं पा रही है, इन दोनों बातों में से कौन सी बात है बताइए? नहीं सरकार देखिए रोक, देखिए जब भी संज्ञान में आता है तो कार्रवाई करते हैं, कोई आदमी माइनिंग कर सर, हमारा कैमरा वहां तक पहुंच जाता है, तुरंत कार्रवाई होती है, हमारा कैमरा वहां तक पहुंच जाता है, आपका प्रशासन क्यों नहीं पहुंच पाता? तब तो सरकार, हमारे संवाददाता कहते हैं कि रात को वहां से आपको जगह नहीं मिलती है सड़क से गुजरने की, इतने ओवरलोडेड वहां पर वाहन चलते हैं NH 73 पर। अनिल आर्य जी, 24 घंटे अवैध माइनिंग की जा रही है। ज्योति जी, मैं तो पहले भाटी साहब की जवाब दे दूंगा, एक प्रशासन और मंत्री के बीच में इस तरह की बातचीत होती है कि एक मछली कितना पानी पीती है आप तय नहीं कर सकते। जैसे सबूत मांग रहे हैं कि मंत्रियों के खिलाफ सबूत लेके आओ, ये ऐसे सबूत न तो कोई पेश कर सकता है, न ही कोई दे सकता है। माइनिंग हो रही है, यही सबसे बड़ा सबूत है।
कि इनकी नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे, अगर आपका 100-150 आदमियों का स्टाफ है उसमें से एक चंडीगढ़ से कैमरामैन और जो पत्रकार है वो जाके वहाँ वीडियोग्राफी कर सकते हैं। हाँ। तो इनका प्रशासन का पूरा अमला वहाँ पर मौजूद है, इनके माइनिंग अफसर वहाँ मौजूद हैं, डीसी साहब मौजूद हैं, एसडीएम मौजूद हैं, तहसीलदार मौजूद हैं, एडीसी साहब मौजूद हैं, इतने सारे। सरकार कोशिश कर रही हो लेकिन जो प्रशासन है वो ढीली कार्रवाई सर संभव नहीं है। प्रशासन की बिना मदद के, राजनीतिक बिना संरक्षण के, इस तरह की माइनिंग के आप जो है डैम के बिल्कुल अंदर, जहां डैम है वहां डैम की दूरी मुझे नहीं लगता कि वहां से 20 मीटर भी दूरी होगी, और वो जो दीवार है वो भी 10 मीटर की दूरी पर है। अगर इतनी नजदीक आप डैम को खोद रहे तो ये डैम ही बह जाएगा। जब यमुना में बाढ़ आती है तो पानी आता है, बारिश के दिनों में बहुत ज्यादा पानी आता है, दिल्ली तक खतरे में पड़ जाती है। तो इतना बड़ा खतरा आप वहां पर ले रहे हैं वो बिना प्रशासन की, और वहां मौजूद रहे, मॉनिटरिंग होती है, इनका स्टाफ मौजूद होता है वहां डैम के ऊपर हर टाइम। तो मुझे नहीं लगता ज्योति जी बिल्कुल भी कि बिना सरकार की मनसा के या बिना प्रशासन के मिलीभगत के इस तरह की माइनिंग हो सकती है। कहने को कैमरे भी लगाए गए थे लेकिन अपने हिसाब से लाइट को कम करके ये जो अवैध खनन करने वाले थे माफिया निकल भी जाते हैं, अवैध खनन किया भी जाता है, कहने को मॉनिटरिंग भी है, तमाम चीजें, लेकिन स्थिति वही जस की तस है। देखिए ज्योति, जब सरकार खुद इन्वॉल्व है, सरकारी संरक्षण में अवैध माइनिंग हो रही है, तो कैमराज, मॉनिटरिंग, इन चीजों के कोई मायने नहीं रहते। दूसरी बात, बार बार एक बात सरकार ये कहती है कि जी आप सबूत लाइए, सबूत लाइए। पहली चीज़ तो ये है कि सारा सरकारी तंत्र, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, पुलिस फोर्स, सब आपके पास है। अगर विपक्ष ने आवाज़ उठाई है तो सरकार का कर्तव्य बनता है जांच करवाए, ना कि सबूत विपक्ष से मांगे। लेकिन फिर भी जैसे भाटी साहब सबूत बार बार मांग रहे थे, तो भाटी साहब अगर आपके पास कागज पेन है तो मैं नोट कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। स्पेशल लीव अपील सी 1916/2017 माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीएम ऑफिस पे बाकायदा टिप्पणी की है, अधिकारों का दुरुपयोग जो उन्होंने डाडम खान की 51% की हिस्सेदारी सुंदर एसोसिएट को ट्रांसफर की, इससे बड़ा सबूत मुझे नहीं लगता आपको कोई और चाहिएगा मुख्यमंत्री ऑफिस की इन्वॉल्वमेंट का। लेकिन आप बार बार बजाय अपने कर्तव्य का पालन करने के, बजाय आप विपक्ष की आवाज को सुन के जांच करवाने के, बजाय आप अपने मंत्री साहब की जांच करवाने के, सबूत मांगने बंद कीजिए। आपके सामने वीडियो चल रही है, आपके सामने ऑडियोज आती हैं, आपके, और ये कोई पहली वीडियो नहीं है, लगातार इस तरह की वीडियो सामने आ रही है कि इलीगल माइनिंग हो रहा है, और लगातार ये बातें आ रही हैं कि मंत्री की माइनिंग को रोके संरक्षण में हो रहा है। नरेश जी क्या कहेंगे, बीजेपी वाले खुद बोलते हैं, इनके संतोष सारवाली के विधायक हैं, उसने आरोप लगाया प्रवक्ता के रूप में, और आज के विषय पर एक शब्द भी नहीं बोले, और एक क्वेश्चन मार्क और भी था कि इन्हीं के पार्टी लोकसभा मेंबर धर्मवीर जी ने प्रधानमंत्री तक लेटर जारी किया, और इन्हीं की पार्टी के लोग आरोप लगा रहे कि हमारी पार्टी के मंत्री और मुख्यमंत्री तक लिप्त है खनन, और बहुत बड़ा कई लाख करोड़ का ये घोटाला है, और इन्होंने उस सवाल को भी टाल के। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये थोड़ी देर में जवाब तो देंगे, पर ढुल मिल रही थी अपना त्यो, ये कहेंगे वो तो कांग्रेस या पता नहीं क्या कह सकता है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या इस पर कोई उचित कार्रवाई होगी, भ्रष्टाचार से प्रदेश को मुक्ति मिलेगी? 4 साल से एक ही बात सुन रहे हैं कि हम संज्ञान में ले रहे, कार्रवाई कर रहे, क्या संज्ञान में 4 साल लग जाएंगे? इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जांच एजेंसियां है, क्या कोई आयोग बना है, कोई जांच की है, कोई अधिकारी वहां लगा है कि आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा अगर इसके बाद में यह खनन हुआ तो? क्योंकि सीएम ऑफिस तक इसके तार जुड़े हुए हैं, इसके मंत्री लिप्त है, इसके एमएलए लिप्त है, कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हैं, इनोला पर आरोप लगाते हैं, इनके टाइम में भी ऐसा, अरे कोई ना कोई हमारी बहुत ही गंभीर आरोप किया, कांग्रेस लगा रही है आपकी पार्टी। देखिए कांग्रेस की तो आदत है आरोप लगाना, क्योंकि ये खुद आरोपित रहे हैं, इनके मंत्री विधायक आरोपित रहे, इनकी इसलिए आदत है। ये उसी धर्मवीर किस पार्टी के हैं, सुन लीजिए, धर्मवीर जी किस पार्टी के हैं, और उन्होंने जो लेटर लिखा उसका क्या हुआ? जवाब ले लेते हैं, जवाब है नहीं, जवाब ले लेते हैं, कोई नहीं सकता जवाब नहीं। जो क्या कह रहे हैं, जिस एसएलपी का अभी जिक्र किया है वो मेरे संज्ञान में नहीं है, मैंने बिल्कुल उसको मैं निकलवा के, क्योंकि मैं तो सुप्रीम कोर्ट में वो जांच एजेंसी के अधिकारी हूं, मैं जवाब ले लेते हैं। कहा जो है वो कहते हैं सीएम ऑफिस पर जो है उसके लिए
वो आरोप लगाए गए हैं। मुझे नहीं लगता, देखिए कहीं भी बाकी साहब मैंने नोट करवाया, आपने नोट कर लिया होगा, जाके चेक कर लीजिएगा। अगर अगर था तो आज तक क्यों नहीं कांग्रेस, आप ये कहो कि मेरे पास जवाब नहीं है, इसका मतलब जो बात आपके संज्ञान में नहीं है वो सही है। पाटी साहब आप लोग शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं, बड़े बदलाव की जरूरत है, बड़े एक्शन लिए जाने की जरूरत है। वो कौन लोग हैं जो कि लाइट को खुद से कम कर देते हैं, स्ट्रीट लाइट बंद कर दी जाती है, पूरा सिस्टम मिला हुआ है जो कि तस्वीरें कहती है। अवैध माइनिंग का, अवैध माइनिंग का कोई ये नहीं कि हमारे हमारे समय से ही कोई मसला उठा हो, ये बहुत समय इनकी साथ दोनों पार्टियों की सरकारें रही है। हरियाणा के किसानों से जुड़ा सवाल है, सुनिए सर। भाटी साहब हरियाणा के किसानों से जुड़ा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सुनेंगे। हरियाणा के जो किसान हैं, जो यूपी और जो हरियाणा की सीमा पर रहते हैं, जो गांव है, एक लालूपर गांव आप शायद जानते भी होंगे, घरोंडा से आगे चलकर अगर जाएंगे कभी आप, तो वहां पर जो किसान है उनका ये आरोप है, जो यूपी के माफिया है वो तक उनकी जमीनों में अवैध खनन करते हैं सर, और बंदूक की नोक पर करते हैं। ये जो घटना है मैं आपको बता दूं, 26 अप्रैल 2018 पिछले ही महीने की। देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो दीक्षित आयोग था उससे, क्योंकि वो लैंड का जो मामला है उसकी जो जो सीमाबंदी का मामला है वो काफी डिस्प्यूटेड रहा है, उस पर उत्तर प्रदेश भी क्लेम करता है और हमारा हरियाणा का किसान, हम लोग हमारा किसान भी क्लेम करता है। उसमें से खनन हो रहा है वो तो उत्तर प्रदेश वाले ही बताएंगे, लेकिन उनकी जमीनों पर किसानों का आरोप है सर, मैं कुछ नहीं कह रहा, किसानों का आरोप है सर। किसी बात पर आप कांग्रेस को घोष लेंगे, किसी को इनेलो पर और फिर यूपी बताएंगे, सीमा विवाद आप बता देंगे। देखिए विवाद जमीन का वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के में जो है खनन हो रहा है, उत्तर प्रदेश में सर, हरियाणा के किसानों की बात है, लालूपुर गांव हरियाणा सरकार जिम्मेदार नहीं है, लालूपुर गांव की बात सर, मैं तो बता आपको नाम भी बता रहा हूँ सर, वहाँ के जो ग्रामीण है वो कहते हैं, आपने ये तथ्य निकाल के दिए संज्ञान में आया है, बिल्कुल ये बात कही ना आपकी, आप जाँच करवाएंगे, कम से कम इतनी अच्छी बात है आपकी, साधुवाद आपको देते हैं। भाटी साहब एक बात और है, आपने कहा जो मैंने आपके सामने माननीय सुप्रीम कोर्ट की अपील का जिक्र किया, आपने उसका कहा आपको नहीं पता, चलो फिर मैं दोबारा बता देता हूँ, आप जाके पढ़ लीजिएगा 1966। और दूसरी चीज भाटी साहब, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है ये बात कह देना कि इनेलो के कार्यकाल में, अब भाटी साहब सुन लीजिए, भाटी साहब सुन लीजिए, अरे ईयर 2017 भाटी साहब, 2017 हाँ चेक कीजिएगा। और दूसरी बात, आपने बड़े आसानी से, देखिए आप क्या करते हैं कि इनेलो की सरकार के दौरान ऐसा हुआ, भाटी साहब क्या आपके पास कोई सबूत है? मैं आपको यहां पे कह रहा हूं, सालाना 400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू खनन से सरकारी खजाने में आता था हमारे टाइम में, जो आपके हिसाब समय के हिसाब से 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए। तो आप ये बात बजाय किसी सबूत के इस तरह का आरोप ना लगाइए, केवल अपने 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 उसके लिए आप अपने तरफ ध्यान दीजिए कि अवैध माइनिंग हो रही है। ज्योति जी अभी समय, अभी के लिए समय पूरा हुआ आपका, ज्योति जी ज्योति जी जो खनन माफिया है आप देखेंगे कि रात को, प्रशासन तो दिन में दिखता है लेकिन रात में अगर इन खनन जहां पर साइट्स हैं वहां पर खनन माफिया राज करता है, चाहे वो भिवानी हो, चाहे वो महेंद्रगढ़ हो, चाहे वो रेवाड़ी का एरिया हो, आप देखेंगे अटेली में जो ना 1.5 फुट गहरे खड्डे इन्होंने ट्रकों ने कर रखे, चाहे गुड़गांव का मामला हो, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे हथनीकुट महाराज का हो। देखिए मैम, इनकी एक पूर्व MLA भी संतोष सारवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए और उसको भी ये कह रहे हम संज्ञान में लेंगे। तो आज सरकार पूर्ण रूप से प्रदेश के हितों की अनदेखी कर रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त है और आज जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है, सबका शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए, भाटी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ऑनलाइन पर बने रहने के लिए। तो चर्चा ये की हथिनी कुंड बैराज पर जिस तरह से अवैध माइनिंग की जा रही है, खनन किया जा रहा है, उस पर सरकार अंकुश कब लगा पाएगी, और साथ ही खबरें अभी तक ने आपको वहां की तस्वीरें भी, और जांच की बात जरूर कही है सरकार ने, और जैसे कि हमने हरियाणा के किसानों का भी मुद्दा उठाया है जो सीमा विवाद में उलझे हुए हैं, देखना होगा सरकार उनकी तरफ भी कितना ध्यान देती है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।